वेलकम बैक टू स्टॉक्स पावर यूट्यूब चैनल। तो आज यहाँ पे विकास लाइफ के लिमिटेड स्टॉक के बारे में बात करेंगे और लेटेस्ट अपडेट भी यहाँ पे देखेंगे। तो विकास लाइफ के स्टॉक की आज की बात देखी जाए तो यहाँ पे आज फिर से 5.40 पे क्लोजिंग दे, जहाँ पे प्रीवियस क्लोजिंग दी थी सेम लेवल पे क्लोजिंग दी है। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे ओपन हुआ था गैप अप से 5.50 पे, ओपन होने के बाद यहाँ पे 5.60 का हाई भी बना चुका था, पर वही सुबह में उसी लेवल पे यहाँ पे आप देख सकते कि गिरावट देखने को मिली, और जो कि 5.4 लेवल जो है 40 लेवल एक यहाँ पे एक प्रीवियस क्लोजिंग जो सपोर्टिव लेवल थी वहाँ पे सपोर्ट भी लिया था, पर वो आप ज़्यादा समय टिक नहीं पाया तो गिरावट देखने को मिली थी, पर फिर से एक रिकवरी दिखाई। पर यहाँ पे 5.40 लेवल जो है वो एक स्ट्रॉन्ग रिएक्शन एक्ट हुई और उसी लेवल पे यहाँ पे क्लोजिंग दे चुका था। तो आज ओपन हुआ था 5.50 पे, हाई बनाया था 5.60 का और लो है आज का 5.30 का। मार्केट कैप 624 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन है, पी रेशियो है 297 का। तकरीबन पिछले 5 दिनों की भी बात देखी जाए तो पिछले 5 दिनों में करीब यहाँ पे आप देख सकते सेम मूवमेंट हो चुकी है, और 1 मंथ की भी बात की जाए तो 1 मंथ में करीबन 13% से ऊपर गया था, तकरीबन फिर से यहाँ पे गिरावट देखने को मिली है। पर विकास लाइफ के जो बाकी के डिटेल देखे जाए जैसे चार्ट एनालिस्ट तो मंथली प्यूट के साथ यहाँ पे रिसेंटली ट्रेडिंग कर रहा है, जबकि आज क्लोजिंग मंथली प्यूट के नीचे जी दी है। कल गैप अप से ऊपर भी ओपन होता है तो सपोर्ट लेके मंथली प्यूट का एक बाउंस बैक दिखा सकता है, या नीचे ओपन होता है तो गिरावट होने के भी चांसेस दिखाई दे सकते हैं, क्योंकि मंथली प्यूट जो है एक स्ट्रॉन्ग रिएक्शन का काम करेगा विकास लाइफ के लिमिटेड स्टॉक के लिए। तो ये थे लेटेस्ट अपडेट विकास लाइफ के स्टॉक के लिए।